हेलो एवरीवन कैसे हैं बच्चे लोग सारे मेरा नाम है सुनील अधिकारी चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का नेक्स्ट जो हमारा फॉर्म्स है बेसिकली तीन फॉर्म्स हमने कर लिए हैं सोल प्रोपराइटर हिंदू वन डिवाइडेड पार्टनरशिप और चौथा जो हमारा फॉर्म है इफ आई एम करेक्ट ये है हमारा टिव ऑर्गेनाइजेशन या फिर कई जगह कई बुक्स वगैरह में इसको सोसाइटी भी बोला जाता है तो क्या होती है कॉपरेटिव सोसाइटी क्या होती है कॉपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन आज के वीडियो में पूरा हम डिस्कशन करने वाले हैं चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को देखिए द कॉपरेटिव सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी बोल लीजिए ऑर्गेनाइजेशन बोल लीजिए दोनों एक ही चीज है इज अ वॉलेंट्रली एसोसिएशन ऑफ पर्सन वॉलेंट्रली मतलब होता है बच्चा स्वयं की इच्छा से कोई आपको फोर्स नहीं करता है ये सोसाइटी को ज्वाइन करने के लिए आप अपनी खुद की इच्छा से इस सोसाइटी का पार्ट बन सकते हैं हु ज्वाइन टूगेदर फॉर अ म्यूचुअल हेल्प मतलब आपसी हेल्प करने के लिए आपसी एक दूसरे की हेल्प करने के लिए ये सोसाइटी फॉर्म करी जाती है ताकि मिल बांट कर जो भी पैसा इकट्ठा हो हम उस पैसे से बल्क में चीजें ले आए बल्क में मतलब बड़ी क्वांटिटी में चीज़ें ले आएँ और जितना का भी वो चीज पड़ी है उससे कम दाम में हम सोसाइटी मतलब जो भी सोसाइटी का पार्ट बने हैं उसको कम पैसों में वो चीजें दे पूरा क्लियर बच्चों इसमें होता क्या है देखिए सिंपल भाषा में हम क्या करते हैं एक मेंबरशिप फीस लेते हैं इस सोसाइटी का पार्ट बनने के लिए सौ रुपए पचास रुपए लीजिए इस सोसाइटी का पार्ट बन बन जाइए इस सोसाइटी का पार्ट बनने से आपको फायदा ये होगा कि मार्केट में जो चीजें हजार दो हजार की मिल रही है वो उतने की ही मिलेगी लेकिन हम जो पैसे कंट्रीब्यूट करेंगे उससे वो चीजें ले आएंगे तो आपको जो चीजें दो सौ रुपए की हजार रुपए की मार्केट में पड़ रही है वो जब कंट्रीब्यूट करके हम सब लाएंगे तो वो आपको चीजें सिर्फ हजार रुपए की चीज पांच सौ में दो सौ तीन सौ रुपए में मिलेगी तो इसलिए लोग कॉपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनते हैं फीचर्स की बात करें बच्चों पहली है वॉलेंटरली एसोसिएशन मतलब स्वयं की इच्छा से देर इज नो वन टू फोर्स यू टू बिकम अ मेंबर ऑफ अ सोसाइटी द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन एनी पर्सन कैन ज्वाइन द कॉपरेटिव सोसाइटी इफ ही और शी हैज़ कॉमन इंटरेस्ट अगर आप चाहते हैं इस सोसाइटी का पार्ट बनना अगर आपको लगता है कि इस सोसाइटी का पार्ट बनने से इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने से मुझे फ़ायदा हो रहा है मुझे चीज़ें सस्ती पड़ रही है। अगर मैं फार्मर हूँ अगर मैं कोई रिटेल रिटेल कोई एसोसिएशन uh, चलाता हूँ या रिटेल मेरा बिजनेस है और रिटेल एसोसिएशन बन रही है राइट ज्वेलरी एसोसिएशन है ऑटो रिक्शा एसोसिएशन है अलग अलग एसोसिएशन आपको देखने को मिलती है ना पेट्रोल पंप एक पेट्रोल पंप बंद होता है सब सारे पेट्रोल पंप की हड़ताल हो जाती है ऑटो रिक्शा की एसोसिएशन होती है तो वो सब कॉपरेटिव सोसाइटी का ही कही कहीं ना कहीं एक स्मॉल रूप है राइट लीगल स्टेटस की बात करें बच्चों इट इज कंपलसरी फॉर अ कोऑपरेटिव सोसाइटी टू गेट इट सेल्फ रजिस्टर्ड अंडर द कॉपरेटिव सोसाइटी एक्ट रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है सोसाइटी एक्ट के अंदर आफ्टर रजिस्ट्रेशन द ऑर्गेनाइजेशन गेट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी मिल जाती है मतलब जो उनका बिजनेस है काम कर रहे हैं और वो जो बिजनेस है दोनों का जो आइडेंटिटी है वो दोनों अलग हो जाती है तो इससे फायदा मिलता है आ, किसी भी बिजनेस को आ, ये चीज हमने बच्चों सेपरेट लीगल एंटिटी कहां पर पढ़ी थी हमने हमने पढ़ी थी सोल प्रोपराइटर में याद है ना आपको वहां पर क्या थी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं थी ओनर जो था और उसका जो प्रोडक्ट था दोनों एक ही चीज मानी जाती थी कोर्ट की लॉ की नजर में राइट चलिए लिमिटेड लाइबिलिटी द लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय देम अ कैपिटल जैसे मैंने बताया आपको एक मेंबरशिप फीस होती है जो कि मंथली या फिर ईयरली ली जाती है उससे ज्यादा उससे ज्यादा कुछ भी कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ती है कॉपरेटिव सोसाइटी में अगर इनकेस लॉस भी होता है उस कॉपरेटिव सोसाइटी को चलाने में तो जितने आपने पैसा भरा है उतना ही पैसा आपको देने की जरूरत होगी उससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं होगी दैट इज कॉल्ड लिमिटेड लाइबिलिटी कंट्रोल की बात करेंगे इन अ कॉपरेटिव सोसाइटी द पावर ऑफ पावर टू टेक डिसीजन लाइज इन द हैंड्स ऑफ एन इलेक्टिव मैनेजिंग कमेटी यहां पर एक बच्चों एक लीडर चुना जाता है एल ई ए डीईआर लीडर चुना जाता है मतलब 50 जनों की मान के चलो एक सोसाइटी है हमारी कॉपरेटिव सोसाइटी है 50 जनों की जहां पर क्या होगा एक लीडर अपॉइंट करा जाएगा लीडर कौन अपॉइंट करेंगे जितने भी मेंबर्स होंगे वो करेंगे वोटिंग वोटिंग से एक हम एक लीडर को अपॉइंट करेंगे और वो लीडर जो होगा वो कंट्रोल करेगा कोपरेटिव सोसाइटी को वो चलाएगा मेजर डिसीजन लीडर ही लेगा लेकिन सबसे सजेशन जरूर लेगा वो ठीक है सर्विस मोटिव क्या है बच्चों मतलब मोटिव जो है इसका वो सर्विस है एक होता है प्रॉफिट मोटिव है ना मतलब आपका मेन उद्देश्य क्या है प्रॉफिट कमाना लेकिन यहां पर बिजनेस नहीं है ना ये द मेन मोटिव ऑफ सोसाइटी इज टू प्रोवाइड सर्विस इज टू प्रोवाइड सर्विस टू इट्स मेंबर एंड नॉट टू वन प्रॉफिट यहां पर प्रॉफिट नहीं कमाना उनको यहां पर सर्विस प्रोवाइड करानी है जो भी आपके एसोसिएशन है जो भी आपकी सोसाइटी है जिस टाइप की आपकी सोसाइटी है उसमें जितने भी मेंबर्स हैं सबको सर्व करना है आपको आपको जो भी पैसा इकट्ठा हो रहा है मेंबरशिप फीस आ रही है उसका राइट right इस्तेमाल करना है राइट right जो मनी है इसका यूटिलाइजेशन करना है देन कम्स अ पॉइंट कॉल इक्वल वोटिंग राइट द कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क विद डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट हर एक बंदा अगर पचास जने हैं तो हर एक बंदे के पास इक्वल राइट right है कोई भी बड़ा कोई भी छोटा नहीं है पचास जने वोट कर, कर एक लीडर को चुनते हैं वो लीडर उनका सरपंच होता है और वही सरपंच मतलब लीडर होता है जो कि मेजर डिसीजन मेकिंग करता है यस और नो चलिए फीचर आगे समझ में तो मेरिट्स बहुत ही इजी होने वाली है पहली है इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस समझाने की भी जरूरत नहीं है बहुत सारे बच्चों को समझ में आ चुका है मतलब हर एक बंदे के पास जो लास्ट हमने फीचर पढ़ा वही मेरिट का पहला पॉइंट है हर एक पर्सन के पास ऑल मेंबर्स हैव इक्वल राइट्स एंड इक्वल चांस टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट रिस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम मान के चलिए यहां पर कोई फिक्स रेट नहीं है द अमाउंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस दैट यू कैन गिव टू द ऑर्गेनाइजेशन मान के चलिए किसी ने ₹50 दिए इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने के लिए किसी ने ₹200 दिए किसी ने ₹100 दिए ठीक है तो यहां पर क्या है ऐसा नहीं होगा कि पचास रुपए वाले को कम वोटिंग राइट होगा दो सौ वाले को ज्यादा होगा या इसके जो राइट्स होंगे वो ज्यादा होंगे उसके कम होंगे ऐसा कुछ है नहीं है इक्वल इक्वल राइट हैं सब बच्चों के सब बच्चों के नहीं सब मेंबर्स के रिस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल जितना है भी कैपिटल कंट्रीब्यूट कराए उससे कोई यहां पर मतलब नहीं है एम आई मेकिंग सेंस हो रहा है बच्चों क्लियर देन यू हैव अ पॉइंट कॉल लिमिटेड लाइबिलिटी जैसे मैंने आपको बताया था एट द टाइम ऑफ लॉसिस ऑल द क्रेडिटर्स कैन नॉट हैव क्लेम ओवर द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द मेंबर ठीक है कोई भी आपका क्रेडिटर हो कितना ही पावरफुल हो जो मेंबर्स हैं उनकी पर्सनल जो प्रॉपर्टी होगी वो इंटैक्ट रहेगी उनपे हाथ कोई नहीं डालेगा सिर्फ जितना भी आपने कंट्रीब्यूट करा है सोसाइटी पे उतना ही पैसा आपको देना पड़ेगा यस स्टेबल एग्जिस्टेंस देखिए बहुत सारे लोग हैं पचास लोग हैं मान के चले को ऑपरेटिव सोसाइटी में तो अगर एक लीडर की डेथ भी हो जाती है किसी मेंबर की डेथ भी हो जाती है ठीक है तो उसकी एग्जिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेंबर से तो कोई मतलब ही नहीं है अगर लीडर की डेथ हो भी जाती है तो वापस से वोटिंग करके किसी और न्यू लीडर बना लेंगे द डेथ इंसॉल्वेंसी इन ऑफ एनी मेंबर नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सोसाइटी यस और नो इकोनॉमिक इकोनॉमिकल फंक्शनिंग इकोनॉमिकल यहां पर बता है चीप सस्ता है ना इकोनॉमिकल मतलब है यहां पर चीप अफोर्डेबल है ना उससे क्या हो रहा है मार्केट जाके लीडर जो है सामान लेके आ रहा है ठीक है और सौ रुपए का सामान था और वो मेबर्स को सिर्फ पचास रुपए का पड़ रहा है ठीक है अगर ये मिडिल मैन होता तो क्या करता है सौ रुपए की चीज डेढ़ सौ रुपए में देता ठीक है तो यहां पर मिडिल मैन हमने एलिमिनेट कर दिया है जिसकी वजह से गुड्स हमें सस्ता पड़ता है सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट द गवर्नमेंट प्रोवाइड वेरियस कंसेशन एंड रिबेट इन टैक्सेस दीज ऑर्गेनाइजेशन कैन गेट रॉ रॉमेल एक्सेप्टेड सब्सिडाइज सब्सिडाइज मतलब होता है बच्चों डिस्काउंटेड देखिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या है सर्विस प्रोवाइड कराना लोगों की मदद करना क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी भी यही काम कर रही है बिल्कुल यही काम कर रही है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट आल्सो हेल्प दी सोसाइटी इन ऑर्डर टू गेट देर रॉ मटेरियल एट अ डिस्काउंटेड प्राइस ठीक है और दे आल्सो गेट अ कंसेशन सम सॉर्ट ऑफ कंसेशन इन इन टैक्सेस एज वेल Right, टैक्सेस में रॉ मेटेरियल परचेस करते हैं वहां पर भी डिस्काउंट मिल जाता है जिसकी वजह से यह काफी हद तक डिस्काउंटेड प्राइस में अपने मेंबर्स को गुड्स प्रोवाइड करा पाते हैंक्टिक yes no? प्रोसीजर नहीं है सोसाइटी the registration procedure of a cooperative organization is very simple and does not involve any legal formality as such koi no legal formality is hai. he or she or the leader of a cooperative society can easily form a cooperative organization right open membership open membership simply means it is a voluntary organization he or she or anybody in the society can voluntarily join that organization or द पर्सन कैन ज्वाइन एंड लीव द कवर्डी ऑर्गेनाइजेशन वेन एवर द डिजाइर्स हो ऐसा कोई कम्पल्शन नहीं है इफ़ यू आर बींग पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी तो यहाँ पर वो कोई जरूरी नहीं है दैट यू शुड रिमेन द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और द सोसाइटी टिल योर डेथ है ना मंडे तक आपको पार्ट रहना ऐसा कोई सच कंपल्शन नहीं है राइट अगर आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन फी नहीं भी है तो बात कर कर आप फ्री में भी इस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट बन सकते हो तो प्रॉज एंड क्वान्स हैं मेंबरशिप की गाइडलाइंस होती है रूल्स एंड रेगुलशन होते हैं वो आपको फॉर्म करने पड़ते हैं राइट right? okay. अच्छाइयां हो गई कैपिटल देखिए द कोपेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म लिमिटेड रिसोर्सेज सो देयर इज नो कंपल्शन टू कंट्रीब्यूट सम मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बिकम मेंबर एग्जांपल दे रहा हूं यहां पर मैं फॉर एग्जांपल 50 मेंबर्स की है सोसाइटी बनाई है जहां पर कंट्रीब्यूशन के लिए कोई एक लिमिट इंपोज नहीं है कि आपको इतना ही कंट्रीब्यूट करना है तो वहां पर उस एरिया के जो लोग थे वो वीकर सेक्शन के थे तो किसी ने बीस रुपए दिए किसी ने पचास रुपए दिए किसी ने सौ रुपए दिए किसी ने दो सौ रुपए दिए ठीक है तो जो कंट्रीब्यूशन भी होगा ना बच्चा तो यहां पर बहुत कम होगा दस हजार बीस हजार कंट्रीब्यूशन होगा उससे अफेक्ट पड़ता है द अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल दैट यू विल बी एबल टू परचेज अगर मेंबर बहुत ज्यादा में तो चल जाएगा लेकिन अगर मेंबर मान के चलो 20 ही मेंबर्स हैं 50 की जगह 20 ही मेंबर्स हैं और इतने कम पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो लिमिटेड कैपिटल यहां पर नो no कैपिटल नहीं है द पॉइंट इज लिमिटेड कैपिटल कैपिटल लिमिटेड होगा बिकॉज़ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस टू कंट्रीब्यूट द सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल ऐसा नहीं है कि सबको ₹1000 ही देके सोसाइटी का पार्ट बनना है देयर आर सम

देखिए पॉइंट को मैं समझाता हूं तो कोपेटिव ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट अफोर्ड टू पे हायर सैलरी टू तो अ प्रोफेशनल क्वालिफाइड पीपल अब दस जने हैं बीस जने हैं उन्होंने क्या करा वोट करके किसी एक बंदे को लीडर को बनाया ना अच्छा लीडर जो बन रहा है जिसको हम वोट करके इलेक्ट कर रहे हैं क्या वो कोई क्वालिफाइड पर्सन हो जरूरी है क्या नहीं ना दस में से ही कोई ना कोई एक होगा जो सबसे समझदार होगा ठीक है तो अंधों में काना राजा वाली बात हो गई ठीक है तो यहां पर हम कोई हाई पेइंग पर्सनल को हम अलेक्ट नहीं कर रहे हैं हम सोसाइटी में से ही जो भी हमें सबसे समझदार लग रहा है उसको हम अपॉइंट कर रहे हैं एज अ लीडर सो इन एफिशियंट मैनेजमेंट हो सकता है इफ इन केस वो जो लीडर आपने अपॉइंट करा है दैट पर्टिकुलर पर्सन वो एफिशियंट नहीं हो वो करप्ट हो पैसा लेके भाग जाए पैसे का सही इस्तेमाल ना करे जो कैपिटल कंट्रीब्यूट हो रहा है उसको अफेक्टिवली यूज ना करे सो देर आर पॉसिबिलिटीज राइट लेक ऑफ सीक्रेसी

यहां पर क्या है पचास जन है तो यू हैव टू टेक द परमिशन यू हैव टू टेक द अप्रूवल ऑफ द द ऑल सोसाइटी मेंबर सो यहाँ पर जो सीक्रेसी है कॉन्फिडेंशियलिटी है वो मेंटेन नहीं रह पाती है यस और नो एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल नॉर्मल सी बात है गवर्नमेंट का एक्सेसिव कंट्रोल रहेगा अगर गवर्नमेंट टैक्सेशन में रिलीफ दे रहा है सब्सिडी आपको प्रोवाइड करा रहा है सो so गवर्नमेंट आपको जो अकाउंट है टू गेट सिस अकाउंट ऑडिटेड बाय द ऑडिटर्स ऑफ द कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट गवर्नमेंट आपको इंसिस्ट करेगा कि आप अपने अकाउंट्स जो है मतलब अपनी वर्किंग जो प्रोफाइल है बैलेंस शीट्स वगैरह है वो एक ऑफिशियल ऑफिशियल ऑडिटर को ऑडिट कराइए चेक कराइए और अपने अकाउंट्स टाइम पे सबमिट करिए नॉर्मल सी चीज है ना इफ़ यू आर पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट मशीनरी और इफ यू आर टेकिंग द एड और देल्प ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी देन गवर्नमेंट विल इंसिस्ट एन द गवर्नमेंट विल इंटरफेयर इन योर वर्किंग गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इंटरफेयर करेगी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं मेक श्योर sure करेगी कि यार उनका भी नाम खराब ना हो मेक श्योर दैट द कोऑपरेटिव सोसाइटी दैट दे आर हेल्पिंग इज ऑन द राइट ट्रैक वो लीगल काम कर रही हो लीगल अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर रही हो अपने अकाउंट्स वगैरह प्रॉपर मेंटेन कर रही हो तो यहां पर उनको जो है ऑडिटर्स से अपने अकाउंट्स ऑडिट कराने की जरूरत पड़ती है सो एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल है इंटरवेंशन है यू कैन कॉल इट एट इंटरवेंशन एज वेल है ना तो दिस माइट बी अ केस ये नॉर्मल चीजें हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और कॉन्फ्लिक्ट अमंग द मेंबर्स मुझे बताओ क्वाइट ऑफन द डिस्प्यूट द मैनेजिंग कमिटी एंड मेंबर्स इन ऑर्गेनाइजेशन दे मे हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड इफ मेंबर्स फॉलो अ रिजिड एटीट्यूड कैन लीड अ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट पार्टनर वाले ही खेले बच्चों पार्टनर में भी ये पॉइंट आया था डिस्प्यूट हो सकता है वहां तो तीन चार पांच छह जने थे इतने ही होते हैं ना पार्टनर कॉपरेटिव सोसाइटी में कितने हो सकते हैं ना पचास के नियर अबाउट हुआ मान के चलो सब लीडर ने कोई एक डिसीजन लिया पचास के पचास का उस डिसीजन को अप्रूव करना बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है है ना तो वहाँ पर देर माइट बी आ कॉन्फ्लिक्ट देर माइट बी आ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये बहुत आम बात है बहुत ही ईजी चीज़ है कि आपका जो कॉन्फ्लिक्ट हो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो क्योंकि ये ऑब्वियस चीज़ है इतने सारे मेंबर्स होंगे इतने सारे लीडर लीडर एक या दो और भी हो सकते हैं लीडर वगैरह तो उनके बीच में मनमुटाव और कॉन्फ्लिक्ट वगैरह डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना एक आम बात है राइट बच्चों चलिए ये जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ कॉपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे राइट छोटे छोटे हम वीडियो बना रहे हैं ताकि आप एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़ पाओ डिस्क्रिप्शन में नोट्स है अगर आप नोट्स से अपने बेसिस पर स्टडी करना चाहते हैं वैसे यही वो नोट्स हैं राइट तो आपको अगर डाउनलोड करते हैं तो मेरे साथ आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप वीडियो लेक्चर खोल कर वो समझ सकते हैं और अपने बेसिस पर कभी भी चाहे डाउनलोड कर मोबाइल में लैपटॉप में कभी भी पढ़ सकते हैं राइट चलिए बच्चों लोग को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में टिल दैन टेक केयर गुड बाय पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए क्योंकि आपका भी देना है थैंक यू सो मच